वेलकम टू रेसिपी इंटीरियर क्रिएशन टू रेवोल्यूशन। सो गाइस, घर में सबसे सुंदर क्या चाहिए, जहाँ पर हम लोग थोड़ा रिलैक्स कर पाए, जहाँ पर दिमाग को थोड़ा शांति मिल जाए, जहाँ पर हम लोग ग्रीनरी के साथ या फिर नेचर के साथ अपने आप को कॉन्टैक्ट में लेके जा पाए। तो सुंदर कहाँ पर करना चाहिए घर में, सबसे बैल्कनी एरिया पर, जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेंटिलेशन में अपने आप को लेके आ पाए। तो बैल्कनी डेकोरेशन में कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कौन से वो सारे फैक्टर्स है, वो सारे कौन से पर्टिकुलर डिज़ाइन एलिमेंट्स है जिसको हम लोग अपने बैल्कनी डेकोरेशन में सबसे ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, एंड प्रॉपर तरीके से ये सब मेंटेन हो पाए तो आपका बैल्कनी जो होगा सबसे सुंदर सा रिलैक्सेशन जोन बन जाएगा और आप इसको पूरी तरीके से एक कॉफ़ी मग के साथ एंजॉय कर सकते हो। इनविजिबल ग्रिल एक लेटेस्ट ट्रेंड है। जैसे पहले हम लोग बैल्कनी को कवर करने के लिए हम लोग आयरन स्ट्रक्चर का यूज़ करते थे या फिर ग्लास स्लाइडिंग का यूज़ करते थे या फिर नेट का यूज़ करते थे। नेट सबसे बेकार लगता है दिखने में, ग्लास स्लाइडिंग से पूरा क्लोज कर देंगे तो फिर क्या होता है, उसमें एयर सर्कुलेशन जो होता है वो बंद हो जाता है, वेंटिलेशन एकदम बंद हो जाता है। इसीलिए इनविजिबल ग्रिल जो होता है वो आपको पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। आपके घर में जो भी बच्चा होगा, छोटे बच्चे के लिए वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, घर में पेट्स के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड अगर बाहर से चिड़िया या फिर बर्ड्स बहुत ज़्यादा बैल्कनी में आ जाते हैं, बैल्कनी को गंदा कर देते हैं, तो वो सब कुछ से भी बैल्कनी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनविजिबल ग्रिल एक SS बेस वायरिंग का काम रहता है जिसमें आपका 2 mm से 3 mm तक की थिकनेस में वायरिंग रहती है। वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं एंड इसको हॉरिजॉन्टल भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इसमें हर 2 वर्टिकल के बीच में या फिर हॉरिजॉन्टल जो भी हो, हर 2 वायरिंग के बीच में कम से कम 2 इंच तक का गैप रखिए एंड मैक्स टू मैक्स 4 इंची का ही गैप रखिए। 2 इंची तक गैप अब तब भी रखिए अगर आपके वहाँ पर बार्स के बहुत बड़े दिक्कत हो, मतलब बाहर से चिड़िया बहुत ज़्यादा गंदगी लेके बैल्कनी में चले आते हो, तो वो झमेला से आप फ्री हो जाओगे, बर्ड्स अंदर आ नहीं पाएगा। और इनविजिबल है इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं दिखता है, लेकिन सच मानिए दूर से ये बिल्कुल नहीं दिखता है, एंड बहुत ज़्यादा करीब भी आप चले जाओगे तो भी जितना हल्का सा दिखता है उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर कोई भी इशू नहीं रहता है। देखो इसमें एयर सर्कुलेशन आपको पूरा मिल जाता है, बहुत एक एयरी फीलिंग आपको मिलता है, पूरा प्रोटेक्शन मिल जाता है, SS में रहेगा तो फिनिशिंग बहुत सुंदर आता है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेंडी भी है और आपको सिर्फ इसी में ही जाना चाहिए। इनविजिबल ग्रिल के साथ आपका नीचे के पोर्शन को भी देखना पड़ेगा। मान लो आपका बेस का जो रेलिंग है बैल्कनी का वो ज़्यादा सुंदर नहीं है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। उसको सबसे स्मार्ट तरीके से रिप्लेस करने के लिए आपको ग्लास का यूज़ में जाना पड़ेगा। टाफिन ग्लास रहेगा जिसमें से 2 ग्लास के बीच वर्टिकल में कुछ नहीं रहेगा, कंप्लीट फ्रेमलेस कॉन्सेप्ट में जाइए, बहुत स्मार्ट एंड ट्रेंडी ये दिखता है। इसके अलावा आज की डेट में MS में CNC कटिंग ग्रिलिंग भी आ रहा है जो आप बैल्कनी में बहुत सुंदर से यूज़ कर सकते हो। SS में थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा ये हो जाता है, SS में CNC कटिंग ग्रिल भी आता है जो आप बैल्कनी में रेलिंग के काम पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा आप SS के या फिर MS के स्पाइरल डिज़ाइन में जाओगे उतना ज़्यादा आपका मेंटेनेंस का झमेला हो जाएगा, क्योंकि इसको आप क्लीनिंग का थोड़ा इशू रह जाता है। इसके बाद आ जाता है फ्लोरिंग में, फ्लोरिंग आप कैसे कर सकते हो। फ्लोरिंग एक तो हो जाता है डेक फ्लोरिंग का यूज़ कर सकते हो जो आपका स्विमिंग पूल एरिया में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, फ्लोरिंग के नीचे से एक ग्रूविंग किया रहता है, तो पानी अगर बहुत ज़्यादा बैल्कनी में आ भी जाए बाहर से तो वो फ्लोर लेवल में वो जम नहीं पाता है, वो अंदर की ग्रूविंग से आउटलेट की तरफ चला जाता है एंड थोड़ा सा ड्राई जोन रहने का चांसेस इसमें रहता है। अभी डेक फ्लोरिंग में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिल जाएगा, आप इसमें वुडन टच में जा सकते हो, रॉयल मेहगुनी टच में जा सकते हो, टीकूट कलर में जा सकते हो, डार्क ग्रे के शेड में जा सकते हो एंड ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर में भी जा सकते हो। तो डेक फ्लोरिंग काफ़ी एक रिच लुक देता है, वुडन टच इसमें मिल जाता है, सुंदर लगता है। उसके अलावा ऑब्वियसली आर्टिफिशियल ग्रीनरी ये आप प्लेस कर सकते हो फ्लोरिंग में। आर्टिफिशियल ग्रीन फ्लोरिंग में आपको देखिए बेसिकली 2 टिक्स मतलब पैटर्न आपको मिल जाएगा, पैटर्न आप बोल सकते हो, 2 पैटर्न ऐसा होता है, एक होता है नेचुरल पैटर्न जिसमें आपको थोड़ा सा मिट्टी का टच रहेगा, मतलब थोड़ा सा ब्राउनिश एंड ग्रीनरी बोथ पंचिंग उसमें रहेगा।
ये आप कर सकते हो, या तो फिर कंप्लीट फुल ग्रीनरी में आप जा सकते हो। देखिए मेरे हिसाब से तो फुल ग्रीनरी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको आप वॉल में भी प्लेस कर सकते हो। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर कोई काम आप नहीं करवा रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन ये काम अगर करवा पाते हो आप अपनी बैल्कोनी में, तो ये अकेला चीज़ जो होता है ये सब लुक अपने तरफ ले लेगा। बाकी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसको आप ज़रूर करवाइए। वो होता है क्रीपर्स का काम। क्रीपर्स का काम क्या होता है, क्रीपर्स का मतलब ये होता है, मान लो जैसे आप वॉल में क्रीपर्स का काम कर सकते हो, क्रीपर्स वो पर्टिकुलर ग्रीनरी का एक टेक्निक होता है जिसके लिए आपको कई वर्टिकल मेम्ब्रेन या फिर वर्टिकल बेस सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ता है। क्रीपर्स आप बैल्कनी वॉल में यूज़ कर सकते हो, क्रीपर्स आप बैल्कनी रेलिंग से हैंग कर सकते हो। कार्टेन क्रीपर्स जो होता है ये आप बैल्कनी रेलिंग से हैंग कर सकते हो नीचे की तरफ, और अगर इसको आप तरीके से मेंटेन कर पाओ तो क्रीपर्स का ब्यूटी इतना ज़्यादा होता है कि खाली क्रीपर्स के यूज़ से आप पूरी बैल्कनी को एकदम 10 out of 10 मार्क्स दे सकते हो। तो क्रीपर्स का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होता है। ये आप रंगून क्रीपर्स का यूज़ कर सकते हो, कार्टन क्रीपर्स का यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल कलर्ड फ्लावर्स एंड ग्रीनरी के साथ क्रीपर्स का अवेलेबिलिटी बहुत आज के डेट में है। इसको आप बैल्कनी वॉल में यूज़ करो या फिर रेलिंग से हैंग कर सकते हो, या फिर जितना भी बैल्कनी के कलम है, बीम है, इसमें आप ज़रूर क्रीपर्स का यूज़ कीजिए, बहुत सुंदर कर देगा आपके बैल्कनी को। उसके बाद आ जाते हैं पॉकेट प्लांटेशन। पॉकेट प्लांटेशन तो ये तो कॉमन है, इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। इसमें आपको रेगुलर पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, हर 2-3 दिन में पानी देने से भी चलेगा। और देखिए पेबल्स का काम कैसे आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि बैल्कनी में अगर पेबल्स का यूज़ आप नहीं करते तो कहीं ना कहीं पर एक खाली रह गया जैसा इफेक्ट मन में रह जाता है। सराउंडिंग जो आपका फेरी फेरी है बैल्कनी का, वहाँ पर कम से कम 12 इंची से 14 इंची तक का एक इनग्रूव आप 1.5 इंची डेप्थ करके एक चैनल का काम करवा लीजिए पहले, या फिर आप एक आर्टिफिशियल पीवीसी से एक फ्रेमवर्क कर लीजिए, उसके अंदर पेबल्स का यूज़ कीजिए। देखिए पेबल्स के यूज़ करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पेबल्स कौन सा मेंटेनेंस फ्री रहता है और किस में उतना ज़्यादा ब्यूटी मेंटेन हो पाता है लॉन्ग रन के लिए। पेबल्स आप बैल्कनी में अगर यूज़ करते हो तो कभी भी शाइनिंग में मत जाइए। शाइनिंग पेबल्स बहुत सुंदर लगता है पहली में, लेकिन डे बाय डे मतलब 2-3 महीने के अंदर इसका शाइनिंग जो है वो चला जाएगा। पेबल्स लेना है तो उसको मैट फिनिश में जाइए, जो आपका मिट्टी का कलर में भी आता है, जो रॉ स्टोन के कलर में भी आता है, एंड ग्रे के टोन में भी आपको मिल जाएगा, मल्टी कलर भी होता है। तो नॉन ग्लॉस मैट फिनिश के पेबल्स में आप जाइए, आप बहुत सुंदर से इसको लेआउट कर सकते हैं अपने फ्लोर एरिया में। अभी आ जाते हैं जिसके बिना आपका बैल्कनी का डेकोरेशन सच मानो तो इनकम्प्लीट सा ही रहता है, वो होता है सिटिंग एंड टेबल। ब्रेकफास्ट टेबल एक करवा लीजिए आप, जो आपका इनग्रूव डिज़ाइन रहेगा, आपका जो बेस रेलिंग है उसके ऊपर वो प्लेसमेंट आप कर सकते हो। ब्रेकफास्ट कर लिया, कॉफ़ी पी लिया, इवनिंग टाइम में कुछ स्नैक्स ले लिए, फिर उसको उतार के आप साइड में कहीं पर रख सकते हो, या तो फिर फोल्डिंग हाइड्रोलिक जो फिटिंग आता है उसके ज़रिए से भी आप एक फ्लोटिंग टेबल कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ लाइटिंग। बिना लाइटिंग के एंड बिना प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ लाइटिंग के जैसे इंटीरियर का पूरा काम अधूरा रह जाता है, ऐसे ही बैल्कनी डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा मैटर करता है लाइटिंग। क्योंकि अगर इवनिंग के टाइम में आप बैल्कनी जोन को पूरी तरीके से इंजॉय करना चाहते हो तो आपका प्रॉपर लाइटिंग का काम किया हुआ मस्ट है। तो आप अगर टेबल्स का यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप लाइटिंग लेआउट का काम फ्लोर एरिया से पूरा कीजिए। जहाँ जहाँ पर टेबल्स का लेआउट होगा वहाँ पर लाइटिंग का इफेक्ट ज़रूर चाहिए। जहाँ पर आपका वर्टिकल ग्रीनरी का इफेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो उसके ऊपर फ्लोर से अपर वर्ड्स डायरेक्ट स्पॉटलाइट की हीटिंग कम से कम 3 चाहिए, जिसके इन बिटवीन डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर तक होना चाहिए। एंड मल्टी कलर का अगर क्रीपर्स आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें वार्म लाइट की इफेक्ट ज़रूर चाहिए। प्रॉपर तरीके से लाइटिंग का प्लेसमेंट आप सीलिंग में भी कीजिए, सीलिंग में जितना हो पाए, जैसे नेस्ट काइंड ऑफ या फिर हैंगिंग में बहुत ज़्यादा एक्सटीरियर लाइटिंग आता है जिसका कलर टेक्सचर एंड आउटर टोन वो आपके बैल्कनी की क्रीपर्स एंड सिटिंग एरिया के कलर से मैच होना चाहिए। एंड उसके हिसाब से बैल्कनी में जितना से भी रेस्ट ऑफ द वॉल दिखता है उसका भी मैचिंग
रिज्म मेंटेन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। एक डिज़ाइन पहले कर लीजिए बैलकनी का, उसके बाद बैलकनी का काम कीजिए, क्योंकि प्रॉपर कलर एंड प्रॉपर लाइटिंग के अलावा आप बैल्कनी डेकोरेशन कंप्लीट कर नहीं पाते हो। एंड लाइटिंग सिलेक्शन बैल्कनी में सबसे ज़्यादा टफेस्ट जॉब रहता है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, खास करके जब सनलाइट बिल्कुल नहीं रहता है, तो तब अगर आप वेंटिलेशन का एक प्रॉपर मज़ा आप लेना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, जो आपको ग्रीनरी को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। और इसका कॉस्टिंग का बात करें तो इसका कॉस्टिंग देखिए, अगर आप बैल्कनी का साइज़ डिफर करते हैं, भी अगर एवरेज एक बैल्कनी का बात कर ले जिसका मान लीजिए 7 फीट का बैल्कनी हो गया और 3 से 3.5 फीट का इसके विड्थ हो गया, तो इनविजिबल ग्रिल क्रीपर्स सीटिंग फ्लोरिंग आर्टिफिशियल ग्रीनिंग मतलब कलर लाइटिंग सब कुछ लेके एक बैल्कनी में आपका 25,000 के आसपास खर्चा बेस लेवल में चलता है। अब ये 25,000 होता है 40 से 50,000 तक भी जाता है, तो ये पूरा डिपेंड करता है कि आप किस हद तक डिज़ाइन को ले रहे हो। लेकिन देखिए अगर आपका बजट फिक्स है तो फिर आप चाहे तो 20-25,000 में भी पूरा बैल्कनी बहुत सुंदर से डेकोरेट कर सकते हो। तो तरीके से डिज़ाइन करवाइए पहले, और कोई भी इंटीरियर डिज़ाइन डेकोरेशन और वास्तु रिलेटेड कोई भी आपको टिप्स चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी एग्जीक्यूशन आपको करवाना हो, कोई भी मॉड्यूलर सर्विस चाहिए, तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग पूरे कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।